हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स मास इज इफ इट्स मास इज 9.1 × 10⁻³⁻³ kg एंड इट्स वेलोसिटी इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ लाइट एंड द वैल्यू ऑफ एच एच की वैल्यू 6.62 × 10⁻²⁴ जूल सेकेंड। तो ये 6.-34 होता है। दिस विल बी 34 नॉट 24। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है? लैम्डा। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? एच बाय एम वी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो जो एच बाय एम वी होती है, राइट। तो अब यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम मास दिया है, मास इज़ व्हाट 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। तो मास की वैल्यू हम डायरेक्टली एज इट इज़ ले लेंगे। और सी की वैल्यू क्या लेंगे हम? सी की वैल्यू 1/10 ऑफ दैट ऑफ लाइट बोला है, और लाइट की स्पीड भी नो दैट इट इज़ 3 × 10⁸। तो 1/10 × 3 × 10⁸, तो वो हमारा कितना हो जाएगा? 3 × 10⁷ m/s। तो ये हो गया हमारा वी, मतलब सी या तो वी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया। और एच की वैल्यू तो दी हुई है क्वेश्चन में, 6.6252 × 10⁻³⁴ जूल पर सेकेंड। तो अब मैं इसको इधर सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो दिस विल बी 6.625 × 10⁻³⁴ अपॉन एम। एम की वैल्यू इज 9.1 × 10⁻³⁹ इंटू वी की वैल्यू। वी की वैल्यू इज 3 × 10⁷। जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आई विल गेट माई लैम्डा एज, इसको सॉल्व करके वी गेट 2.242 × 10⁻¹⁰ m, और आई कैन राइट एज 2.426 × 10⁻¹⁰ m, राइट। दोनों भी आंसर सही है। ओके, थैंक यू। और ये वाला जो है, ये 2.24 बोल रहा है, और ये 2.426 × 10 में, तो दिस विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू।